नमस्कार दोस्तों, रेडिक्स डीसी चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम वीडियो लाए हैं कृषि क्षेत्र में क्रांति, जो आपको बेहद पसंद आएगी, जो इस प्रकार है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। काली क्रांति जो संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम जो है खदन में जब निकाली जाती है, काली होती है, इसलिए उसका नाम काली क्रांति रखा गया है। नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है संबंधित है मछली उत्पादन से। दोस्तों, मछली पानी में रहती है, वो पानी हमेशा नीला होता है, इसलिए इसका नाम नीली क्रांति रखा गया है। हमें याद हो जाएगा दोस्तों, नीली क्रांति हमेशा, नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, मछली पानी में रहती है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दूध डेयरी उत्पादन से। दूध हमेशा सफेद ही होता है, सबको पता है दोस्तों, इसलिए श्वेत क्रांति रखा गया इसका नाम। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध डेयरी उत्पादन से। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति है चमड़ा गैर पारंपरिक और कोको उत्पादन से। गैर पारंपरिक जो है भारत में सिर्फ है, चमड़ा और कोको उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय है। चमड़ा भूरा होता है, इसलिए भूरी क्रांति रखा गया है। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तेल हमेशा पीला होता है दोस्तों, इसलिए इसका नाम पीली क्रांति रखा गया है। हरित क्रांति, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन जो है अनाज हो गया, जैसे अनाज खाद गेहूं चावल ये सब हो गए। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का असर पड़ा है गेहूं पे दोस्तों, इसलिए हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से ही संबंधित हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति जो है दोस्तों फल बागवानी विकास और शहद उत्पादन से हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। फिर आ रहा है दोस्तों हमारा गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन, गोल्डन फाइबर मतलब होता है दोस्तों रेशा, इसलिए रेशे का मतलब हो गया जूट, तो गोल्डन फाइबर क्रांति का मतलब हो गया जूट उत्पादन। ग्रे क्रांति का मतलब हो गया खाद उत्पादन दोस्तों, खाद या उर्वरक क्रांति। ग्रे क्रांति का मतलब हो गया खाद या उर्वरक उत्पादन। गुलाबी क्रांति मतलब प्याज उत्पादन, औषधि उत्पादन या झींगा उत्पादन। झींगा उत्पादन मतलब दोस्तों झींगा मछली होती है, गुलाबी क्रांति में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों है ये लाल क्रांति। दोस्तों लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। मांस हमेशा लाल होता है, टमाटर भी लाल होती है, इसलिए लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। रजत फाइबर क्रांति कपास उत्पादन। सदाबहार क्रांति कृषि का संपूर्ण विकास। तो इसमें इम्पोर्टेंट है जो दोस्तों से टिक लगा लेते हैं, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति डेयरी उत्पादन से, फिर हो गया ये हो गया तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति, हरित क्रांति हो गया अनाज उत्पादन, गुलाबी क्रांति हो गया दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीली क्रांति मछली उत्पादन, काली क्रांति भी लगा लेते हैं। हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को दबाएंगे तो हमारी वीडियो आप नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त करेंगे दोस्तों। और हमारी वीडियो ऐसे ही प्राप्त करते रहेंगे
हम नए वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों, और अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे।